राजस्थान में प्रदेश सरकार की पिछले 6 महीनों में शैक्षणिक नवाचार और विशिष्ट उपलब्धियों पर जेवीपी मीडिया ग्रुप की ओर से डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है और इसी मूल आधार को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान में स्कूल शिक्षा को बहुत मजबूत, रचनात्मक, संस्कारवान और राष्ट्र सेवा के लिए नागरिक तैयार करने का कार्य राजस्थान सरकार शिक्षाविदों के साथ मिलकर कर रही है। शिक्षा के लिए अनिवार्य कानून लागू किया था, आरटी लागू किया था, ये इसी सोच के साथ गया था कि हमारे गरीब का किसान का बेटा सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े, लेकिन उसको गुणवत्तात्मक शिक्षा मिलनी चाहिए। क्वालिटी की शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी, मैं समझता हूँ देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास व्यक्ति का होता है। हाल ही में आए भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिणाम में टॉप 5 में राजस्थान का सर्वोच्च स्थान है। ये हमारी स्कूली शिक्षा की मजबूत बुनियाद को दर्शाता है। वहीं नीट, क्लेट, IIT और IIM में चयनित विद्यार्थियों ने भी राजस्थान की स्कूल शिक्षा की आधारभूत संरचना और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सबसे गुणवत्तापूर्ण माना है। उन तमाम बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों और छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को, उनके गुरुजनों को, उनको भी तमाम मेरी ओर से, पूरी सरकार की ओर से, विभाग की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई हम सब लोग देना चाहते हैं कि उन्होंने अथक परिश्रम से जो परीक्षा दी उसका परिणाम उनके हक में रहा। वर्ष 2019 में अन्य वर्षों की अपेक्षा समय पर आए बोर्ड परीक्षा परिणाम भी हमारी त्वरित कार्य प्रणाली और पारदर्शी व्यवस्था का सूचक है। बोर्ड परीक्षा परिणाम की सूची में 12वीं में गीता जयपाल और 10वीं में शीला जाट जैसी बेटियों ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर बालिका शिक्षा का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए आज इस मौके के ऊपर मैं विद्यालयों के शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को और तमाम उनके स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर एग्जाम में, चाहे वो 12वीं कला का हो, चाहे विज्ञान का हो, 10वीं के एग्जाम का हो, सरकारी स्कूलों का परिणाम बहुत बेहतर रहा है। और इसमें भी हमारी बेटियों ने जो नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के स्पष्टवादी दृष्टिकोण और देश के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करने के शानदार विजन के तहत राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को बहुत ही प्रेरणात्मक बनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है शिक्षा विभाग की, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है। युग निर्माता अध्यापकों और राष्ट्र निर्माण के भाग्य विधाता विद्यार्थियों से जुड़े शिक्षा विभाग ने मात्र 6 महीने में ऐतिहासिक फैसलों को कार्यान्वित करते हुए शैक्षिक जगत को एक नई दिशा प्रदान की है। सरकारी स्कूलों के उन्नयन और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मालपुरा के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य गिरधर सिंह एवं व्याख्याता डॉक्टर राजकुमार वर्मा के प्रयास ऐसे रंग लाए कि आज मालपुरा का सरकारी स्कूल अपने नामांकन, सर्वोत्कृष्ट परीक्षा परिणाम, राज्य मेरिट, भौतिक संसाधन, सह शैक्षणिक उन्नयन और शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों नवाचार, वहाँ की प्रेरणादायी प्रार्थना सभा अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। मैं अपना अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे को आगे बढ़ना है और बढ़ती रहना है, रुकना नहीं है। छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी पोजीशन हासिल करके बहुत बड़ी पोजीशन तक जाना है। मेरा नाम सीमा है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा सपना है डॉक्टर बनना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोलने का ऐतिहासिक निर्णय विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की नई कवायद के रूप में शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल को 15 राज्यों के प्रतिनिधि सराह चुके हैं। शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल देश का पहला ऑटो अपडेशन वाला पोर्टल है,
जहाँ शिक्षक छात्र स्कूल की समस्याओं का ऑनलाइन समाधान मिल रहा है। इस पोर्टल के शुरू होने से प्रदेश के शिक्षकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से न केवल निजात मिलेगी अपितु उनके समय की बचत होगी। देखिए, मैं वकील के साथ साथ एक शिक्षक का बेटा भी हूँ और मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है, मेरी बहन भी शिक्षिका है, मेरे बहनोई भी शिक्षक है, मेरा पूरा परिवार शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है, तो मैं इनकी समस्याओं के बारे में भी जानता हूँ। इनको किस प्रकार से क्या क्या सुविधाएं सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं उनके बारे में भी मुझे ध्यान में है। शिक्षण नवाचारों की श्रृंखला में स्टाफ कॉर्नर के ऑप्शन के जरिए शिक्षक तबादले सहित अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से जन प्रतिनिधि भी अपने इलाके के स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं। शिक्षा विभाग की पारदर्शी स्थानांतरण नीति से शिक्षक समुदाय में खुशी की लहर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और अपनी योग्यता परीक्षा परिणाम के अनुसार इच्छित स्थान मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के नवाचारों के रूप में बाल सभाओं के माध्यम से जन समुदाय को विद्यालयों से सीधे जुड़ाव का अवसर मिल रहा है। साथ ही विद्यार्थियों को अभिभावकों के सम्मुख हुनर कौशल एवं दक्षता को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त हो रहा है। बाल सभा के निरीक्षणकर्ताओं को संबलनकर्ता के रूप में दायित्व निर्वाह से शिक्षक समुदाय में उत्साह का संचार होता है। बाल सभा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संबलन से विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाकर उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की जा रही है, ताकि वह निश्चिंत होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी हो। जिस बच्चे की नींव अच्छी होगी, वो आगे जाकर के कीर्तिमान स्थापित करेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को 5-डे वीक का तोहफा दिया गया, जिससे उनकी कार्यक्षमता में अभिवृद्धि हुई। राज्य सरकार ने वादे के मुताबिक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के शिक्षकों का समय पर पदस्थापन कर दिया है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही ननिहालों को शिक्षकों की सौगात भी मिल गई। मेरा नाम योगिता सिंह है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ और ये विद्यालय बहुत अच्छा है। मैं आगे बढ़कर एक टीचर बनना चाहती हूँ और देश के बच्चों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षा विभाग के विभिन्न समर्गों में समयबद्ध DPC करा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम को पिछले वर्ष की तुलना में पहले घोषित करने से समयबद्ध प्रवेश और अन्य शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं। कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता, आप मेहनत कीजिए, आने वाला समय आपका होगा। सामान्य परीक्षा परिणाम वाले संस्था प्रधान और शिक्षकों को नामांकन के आधार पर राहत दिए जाने से उनका भी मनोबल बढ़ा है। राजस्थान में नवाचारों की श्रृंखला में शिक्षक सम्मान को तवज्जो देते हुए काउंसलिंग में पुरस्कृत शिक्षकों को वरीयता दी जा रही है। उर्दू विषय वाले शिक्षकों का पदस्थापन उर्दू की पढ़ाई वाले स्थान पर किए जाने से उनकी समुचित योग्यता का उपयोग उपयुक्त स्थान पर हो सकेगा। राजस्थान की भौगोलिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विद्यालय समय में बदलाव, विद्यालयों में सामान्य ज्ञान, देश दुनिया की जानकारी, कला साहित्य के लिए विशेष प्रावधान करते हुए पुस्तकालय सुविधा में इजाफा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुविधानुसार नजदीकी विद्यालय में योग का निर्देश, दूर जिलों में पदस्थापित शिक्षकों के लिए राहत भरा कदम। पिछले 5 वर्षों से बंद स्कूलों को पुनः उन्हें खोलने के निर्णय से न केवल ननिहालों को दूर जाने से निजात मिलेगी अपितु युवाओं को रोजगार में भी अवसर प्राप्त होगा। कैरियर और रोजगार की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी तथा आम युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने यूनिसेफ के सहयोग से भारत में पहली बार राजीव गांधी पोर्टल लॉन्च किया, जो कि एक उचित कैरियर का चयन करने की क्षमता और कौशल प्राप्त करने में मदद करेगा। ये जो समय आया है, इसमें सरकारी स्कूलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा में किसी तरीके का कोई राजनीतिकरण नहीं हो, जो इतिहास में सही है वो पढ़ें, मेहनत करें और सरकारी स्कूलों का जो क्वालिटी देने वाली एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, उसमें हम मील का पत्थर साबित होंगे। राजस्थान सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण में राष्ट्र निर्माताओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए 3 लाख से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है।
नई व्यवस्था के तहत सत्र के बीच में गैर आवासीय शिविर होंगे। शिक्षक समुदाय ने सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी सराहना की है। सरकार के इस कदम से न केवल शिक्षकों को गर्मी में बड़ी राहत मिलेगी अपितु विभाग के 18 करोड़ रुपए बचत होने से वित्तीय फायदा भी होगा। पाठ्यक्रम में शौर्य परंपरा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए पहली बार पुस्तकों में शहीदों और सैनिकों की वीर गाथाओं के साथ बॉर्डर फिल्म से लेकर पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रेरणा को शामिल किया जाना नौनियालों के साथ जज्बातों को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कदम। नाम पायल जाटे, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केवाड़ा में पढ़ती हूँ। मैं बड़ी होकर RS बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजित जाट, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिक असंतुलन और जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रत्येक विद्यालय में पर्यावरण क्लब का क्रियान्वयन प्रकृति संरक्षण की दिशा में भविष्यगत नायाब कदम साबित होगा। सरकारी विद्यालय के कई शिक्षकों ने नवाचारों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित थार नगरी बाड़मेर के कल्याणपुर ब्लॉक में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगावास में 18 इंटरनेशनल जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित तथा 22 इंटरनेशनल सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान डॉक्टर पूनम सिंह जाखड़ ने शिक्षक विज्ञान कांग्रेस तथा विज्ञान मॉडल एवं टीचिंग एड प्रतियोगिता में राजस्थान प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए विज्ञान जगत के महाकुंभ भारतीय विज्ञान कांग्रेस में लगातार 7 बार शोध पत्र प्रस्तुत कर राज्य के शिक्षा विभाग को गौरवान्वित किया। डॉक्टर जाखड़ के निर्देशन में विज्ञान मॉडल, साइंस क्विज, विज्ञान नाट्य महोत्सव, मॉडल रॉकेटरी, विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी तथा जनसंख्या शिक्षा मेलों में 300 से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता के साथ ही 6 बाल वैज्ञानिकों ने समयबद्ध राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक अर्जित कर ग्रामीण सरकारी विद्यालयों को विज्ञान शोध के क्षेत्र में अनूठी पहचान दिलाई। साथ ही डॉक्टर PS जाखड़ ने शासकीय पाठशाला गंगावास द्वारा संचालित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान क्लब के माध्यम से कलाम वाटिका तथा कल्पना चावला वाटिका एवं विद्यालय परिक्षेत्र में 1000 से अधिक पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर पर्यावरण विकसित करने की मिसाल कायम की है। इसी श्रृंखला में अलवर के सरकारी स्कूल के ऐप गुरु शिक्षक इमरान खान ने तकनीकी शिक्षा से लाखों विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। टोंक जिले के नेवाई उपखंड के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र हितेश चौधरी 12वीं के साथ ही IIT में चयनित होकर हमारी सरकारी शिक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता को साबित कर रहा है। बाड़मेर के बायतुप में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुनियों की प्याऊ में पदस्थापित राजनीति विज्ञान व्याख्याता संतोष कुमार गोदारा ने इको क्लब के माध्यम से स्काउट गाइड के जरिए गांव के प्रत्येक घर में पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र तथा परिंडे लगाकर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। बीकानेर जिले के राजकीय करणी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनो के शिक्षक संजय कुमार कपूर के निर्देशन में बाल वैज्ञानिक नवनीत का चयन इंस्पायर्ड अवार्ड हेतु जापान में प्रोजेक्ट प्रदर्शन हेतु होना सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शानदार पेशकश का नतीजा है। राजस्थान में शैक्षिक नवाचारों की यह श्रृंखला लगातार जारी है और निश्चित रूप से मरुधरा की माटी शिक्षा, संस्कार, रोजगार और राष्ट्र सेवा में सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रतिबद्ध है।